हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशंस ऑफ टेलर एंड फेयॉल अ कंपैरिजन। आज हम टेलर और फेयॉल के बीच में एक कंपैरिजन पढ़ेंगे। कैसा कंपैरिजन, देख लीजिए। देयर आर सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिससिमिलैरिटीज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ। दोनों जो अपना प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो उनमें क्या है, दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी है। तो इस वीडियो में हम उन दोनों की सिमिलैरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उन दोनों के डिससिमिलैरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। फर्स्ट है आपका, बोथ हैव अटेम्प्टेड टू ओवरकम मैनेजरियल प्रॉब्लम्स इन सिस्टमैटिक वे। दोनों ही क्या अटेम्प्ट किए हैं, ऐसा सॉल्यूशन बताए हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने का तरीका एक सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो आदमी नर्वस हो जाए, इरिटेट होने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में आई है तो उसका सॉल्यूशन क्या, एक सिस्टमैटिक तरीके से ढूंढना चाहिए। बोथ हैव डेवलप्ड सम प्रिंसिपल्स विच कैन बी अप्लाइड इन सॉल्विंग मैनेजरियल प्रॉब्लम। दोनों ने ही अपने अपने प्रिंसिपल्स बनाए हैं जो कि मैनेजरियल प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने में मदद करते हैं। थर्ड है, बोथ हैव एम्फसाइज दैट मैनेजमेंट एक्शंस कैन बी इफेक्टिव इफ दीज आर बेस्ड ऑन साउंड प्रिंसिपल। दोनों ने ही ऐसा बात बताया है कि मैनेजमेंट एक्शंस क्या हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं अगर वो किस तरीके के प्रिंसिपल्स यूज करेंगे, इफेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी साउंड प्रिंसिपल्स यूज करेंगे। जो अच्छे प्रिंसिपल्स हैं जिनको अप्लाई करने पर वर्क आपका अच्छा होगा तो मैनेजमेंट का जो भी एक्शन है वो अच्छा हो जाएगा। Both of them have emphasized that managerial qualities are acquirable and can be acquired through training. Therefore, organization should make attempts to develop this. दोनों का ये मानना है कि मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ क्या कैसे अच्छी हो सकती है उनको ट्रेनिंग देने से। इसलिए सारे ऑर्गेनाइजेशन को अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि वो अपने वर्कर्स का डेवलपमेंट अच्छे से कर सके। नेक्स्ट है आपका, बोथ हैव एम्फसाइज्ड हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दोनों का यही मानना है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है तो आपको मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बना के चलना ही होगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा और टाइम पे और कम कॉस्ट के साथ। तो होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड PDF के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।